घोड़े वाले जी हैं। घोड़े का क्या चार्ज चल रहा है? घोड़े का जो 2500 है यहाँ से, वहाँ से प्रीपेड काउंटर 2700 है। ये हो गया था, अभी गड़बड़ हो गई थी और बैग भूल जाता मैं तो आफत आ जाती। अगर आप वहाँ पर नीचे से घोड़ा बुक नहीं करते हैं तो फिर इनकी मोनोपोली चलती है। थिंक ऐसी सीधा है मोहक नहीं, वो स्वेट होगा। लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। ये भी अपने अपने साथ चल रहा है। ये लोहे के चित्र डाल करके इसको पूरा कवर किया गया है। प्लेट्स हैं, ये सब वो प्लेट्स हैं जो केदारनाथ आपदा जब आई थी तब टूट के गिर गई, सब तहस नहस हो गया था। जो आपदा थी उसमें अगर सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी ना तो वो ये प्लेस है। यहाँ नामो निशान ख़त्म हो गया था रामबाड़ा का, यहाँ पर पूरा मार्केट था दूर तक, वो पूरा ख़त्म हो गया था। तो अगर सबसे ज़्यादा तबाही मची थी तो यहाँ मची थी। आप बिल्कुल खड़ी चढ़ाई एकदम, और अच्छे अच्छे हुए कस्बल निकल जाते हैं यहाँ पर। कुछ लोग शॉर्टकट भी ले रहे हैं। मैं सच में मत हार गया हूँ, कारण इसका यह है नॉन स्टॉप, कसम केदारनाथ की नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। आसान नहीं केदार के बाबा के दर्शन, आसान नहीं केदार बाबा के दर्शन। लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो मैं समझता हूँ कि आप लोग भी उतना ही जी सकते हैं। अगेन गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर पीछे है क्लॉक रूम, यहाँ पर हमने अपना जो एक्स्ट्रा लगेज था वो छोड़ दिया है और यहीं से यात्रा स्टार्ट हो जाती। तो मैं हूँ इस टाइम सोनप्रयाग में और मैं दिखाऊंगा आपको स्टेप बाय स्टेप यात्रा। तो ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर और आप देख सकते हैं कि सफाई चालू है। सफाई का विशेष ध्यान हर जगह रखा जाता है, जितने भी तीर्थ है आजकल सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो सफ़र शुरू करते हैं हम लोग अपना। तो दोस्तों ये चेक पोस्ट है, जब आप यात्रा पीक सीजन पे आते हैं तो यहाँ पर बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी एंट्री नहीं होती, यहाँ पर आपके पेपर्स चेक कर लिए जाते हैं। लेकिन एट प्रेजेंट आज कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं है, फ्री, सब कुछ फ्री है, आप आ जा सकते हैं। और बस यहीं पर थोड़ा सा आगे चलते ही आपको गाड़ियाँ मिल जाएंगी जो आपको ऊपर गौरीकुंड पर छोड़ देंगी। तो दोस्तों यहाँ से यात्रा स्टार्ट है, पुल पार करते ही आपको गाड़ी मिल जाएगी और यहाँ से आपको गाड़ियाँ मिल जाती हैं। गाड़ी सारी की सारी क्यू में लगी रहती है, पहले वाली गाड़ी तब चलेगी जब पहले वाली गाड़ी फुल हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं गाड़ी फुल हो गई। तो दोस्तों ये गाड़ी का सफ़र रहा हमारा यहाँ का और विद इन 10 मिनट्स हम लोग गौरीकुंड के नज़दीक पहुँच गए। पर रिसेंटली ये मोड़ मुड़ेंगे और यहाँ के बाद गौरीकुंड आ जाता है। क्या चार्ज ले रहे हैं इस टाइम? हाँ सर, पर हेड क्या चार्ज ले रहे हैं? घोड़े का, इसका गाड़ी का, गाड़ी का 50 रुपये से 50 रुपये। हाँ वही पुराना रेट अभी तो। नहीं नहीं इनका बड़ा रखा सेटल सेवा वाले का, हम तो घोड़े वाले हैं। अच्छा आप घोड़े वाले हैं जी। हाँ घोड़े का क्या चार्ज चल रहा है? घोड़े का जो 2500 है यहाँ से, वहाँ से प्रीपेड काउंटर 2700 है, ऊपर से जो है नीचे के लिए 2500। वैसे तो ये गवर्नमेंट रेट है, मेरे ख्याल 2300 रुपये था शायद। नहीं पहले था, पिछले साल, पिछले साल था ना जी। बढ़ गया ना जी जी, किलोमीटर बढ़ गया, ठीक ठीक रेट भी बढ़ गया। तो दोस्तों आपको जानकारी मिल गई, अगर आप घोड़े से भी आना चाहते हैं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है रेट में, लेकिन वही रेट है फिलहाल अभी तक। अपना सब मेरा बैग 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 ये हो गया था, अभी गड़बड़ हो गई थी और बैग भूल जाता मैं तो आफत आ जाती। जय बाबा केदारनाथ। केदारनाथ 16 किलोमीटर पैदल मार्ग। तो यहाँ से यात्रा स्टार्ट अपनी। तो अगर हम यहाँ की बात करें तो इधर से आप गौरीकुंड जा सकते हैं, अगर आप स्नान करना चाहते हैं तो आप यहाँ गौरीकुंड के लिए भी जा सकते हैं। और ये यहाँ गंगा माई मंदिर है, इधर गंगा माई मंदिर है, ये है गौरीकुंड। अभी भी अपने पुराने स्वरूप में नहीं आ पाया, पहले बहुत अच्छा स्वरूप था लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये ठीक हो गया है। जो केदारनाथ बाबा जाते हैं वो यहाँ पर स्नान करने के बाद तब अपना आगे का सफ़र बढ़ाते हैं। तो हम भी नहा लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप वहाँ पर
नीचे से घोड़ा बुक नहीं करते हैं तो फिर इनकी मोनोपोली चलती है, और मोनोपोली फिर इन लोगों की चलती है। अगर नीचे से 2500 रुपये का रेट है और अगर आपने नीचे बुक करके नहीं आए तो फिर ये इनका नहीं पता, ये आपसे 4 मांग रहे हैं, 5 मांग रहे हैं, ये कुछ भी मांग सकते हैं। बाल गीले हैं पूरे, तैयार है क्योंकि अभी नहा के आया, कैप इसलिए नहीं लगाई मैंने कि गीली हो जाएगी। तो दोस्तों बने रहना आप मेरे साथ, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, और जो लोग पहली बार वीडियो कर आए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर ठोक दें। अरे कर लो यार, बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पर मुझे भाई का लुक बहुत अच्छा लगा, भाई की कैप बहुत ज़्यादा पसंद आई। और इधर भी अगर हम बात करें तो बिल्कुल नेकी, और पूछ उसको ये कैप ये कि क्या आप स्नैप निकालेंगे, आई थिंक ऐसी सीधा है मोहक नहीं नहीं वो स्वेट होगा। लुकिंग गुड, लुकिंग गुड। जय बाबा केदार, टर्न टर्न, ये जय बाबा केदार। ये आप लेके आए हैं यहीं से परचेज की? नहीं, ये मनाली से ली हुई है, मनाली से ली, अब काम आ रही है। ओके थैंक यू बॉस, थैंक यू। गोरीकुंड से चलते हैं, सबसे पहला वाटरफॉल आता है, एक सबसे स्टार्टिंग का है, इसके बाद आपको बड़े बड़े भी दिखाई देंगे, तो ये सबसे पहले आता है। तो ये है सबसे पहला वाटरफॉल, इसके बाद एक बड़ा वाला आएगा उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी अपने अपने साथ चल रहा है। तब से 2 किलोमीटर चल चुके हैं हम, और वहीं ऊपर आपका हेलीकॉप्टर जाता हुआ। बैक टू बैक है, एक जा रहा है वो और एक ये रहा, देख सकते हैं छोटी सी गुड़िया कंटिन्यू अपना सफ़र आगे बढ़ाती हुई। हेलो बेटा, क्या नाम है आपका? आर्या। आहाना, आप बोले। जय बाबा केदारनाथ, आप कहाँ से आए हैं जी? ग्रेटर नोएडा से आए हैं। अरे फिर तो आप नज़दीक के ही हैं हमारे। तो दोस्तों हम पहुँच जाते हैं भैरव मंदिर चोरबासा। जय बाबा भैरव। तो ये भैरव मंदिर है, तो ये नीचे से जस्ट से चलते हैं, तो ये सेकंड आता आपका वाटरफॉल, और यहाँ पर डैमेज हो गया तो उसके ऊपर चादर डाल करके रास्ता बनाया गया है। जी जी, तो आप देख सकते हैं ये लोहे के चादर डाल करके इसको पूरा कवर किया गया है। और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को ऑल पर क्लिक कर लें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि गौरीकुंड से 3 किलोमीटर आ चुके हम। अभी रिसेंटली भैरव मंदिर गया था, जहाँ पर मैंने मत्था टेका था, वो 0.5 किलोमीटर जा चुका, और घोड़ा पड़ाव 2.5 किलोमीटर नीचे रह गया है। तो 3 किलोमीटर का सफ़र अपना हो चुका है अपना, तो धीरे धीरे सफ़र कट रहा है, एक एक कदम बाबा की तरफ बढ़ता हुआ। जो नायक हैं वो ये लोग हैं जो पूरा ध्यान रखते हैं कि भक्तों को, आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो पाए। तो दोस्तों नीचे से चलने के बाद ये तीसरा वाटरफॉल आ जाता है यहाँ पर, और लास्ट टाइम जब था ये, इसकी अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो एरिया है पूरा, ये जो एरिया है इसके ऊपर से जा रहा था, यहाँ पर ये नहीं बनी हुई थी जब मैं लास्ट टाइम आया था, और ये पूरा एरिया ऊपर से जो आ रहा था पूरा ज़बरदस्त पानी आ रहा था ये पत्थरों में से ज़बरदस्त तरीके से, तो बहुत सुंदर। मैं कोशिश करूँगा वो पुराना वाला पुरानी क्लिप भी आपको दिखाने की। तो ये पूरा का पूरा जब था तो ये पूरा एरिया पानी से भरा वाला भरा हुआ था, और पानी एकदम से यहाँ से नीचे पड़ता था। और दोस्तों सूर्य देवता आ गए ऊपर, ज़बरदस्त सूर्य देवता उधर से निकल गए हैं, पूरी जो मौसम था वो बिल्कुल साफ़ हो गया। लेकिन यहाँ का थोड़ा सा आप ऐसा होता है कि पहाड़ चेंज हो जाते हैं, तो आप कभी छाएं कभी धूप, कभी छाएं कभी धूप रहे। श्री हनुमान जी मंदिर, प्राचीन हनुमान चट्टी, तो आप कहीं चले जाएं आपको हनुमान चट्टी हर जगह मिल जाती है। थक जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा सा विश्राम भी ज़रूरी है, तो भैया थक गए हैं और आराम करते हुए। आप लोग कहाँ से भाई?
नागपुर। अरे महाराष्ट्र, बड़ी दूर से यार, हम तो यहीं पास से ही हैं, मेरठ यूपी से, आप लोग तो बहुत दूर से आए। तो कैसा रहा अब तक का सफ़र आपका? ठीक, बढ़िया है, ठीक से मज़ा सा नहीं आया, यानी कि थक गए ज़्यादा। बाबा ने बुलाया तो जाना ही। बिल्कुल, देखिए आप छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें, हो जाएगा। बाकी हिम्मत नहीं तोड़ूँगा, लेकिन ये टेलर है, फिल्म बाकी है। हाँ, तो दोस्तों ये है भीमबली, हम कुछ थोड़ा सा और ऊपर चढ़ गए तो यहाँ पर आ जाता भीमबली। भीम एक जो प्रसिद्धि है, प्राचीन कहावत है, या ये कहो कि जो स्टोरी है यहाँ की केदारनाथ की, उसमें यह है कि भीमबली जी ने ही केदारनाथ जी का मंदिर का निर्माण करवाया था, भीमसेन जी ने। तो आप ऊपर देख सकते हैं ऐसा ही कुछ, भगवान केदारनाथ जी के मंदिर का निर्माण भीमसेन जी ने किया, इसके दर्शन मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है। अच्छा भैया एक चीज़ पूछो, जैसे कल डोली चली जाएगी तो आप लोग भी अपना काम समेट दोगे यहाँ से? कल ही समेट दोगे? हाँ कल ही समेट देंगे। और अभी आप मैगी क्या रेट दे रहे हैं? 50 रुपये। और पराठा? 50। अच्छा, चाहे मैगी हो या पराठा, 50 रुपये। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी भी कुछ खास कॉस्टली नहीं है, जैसे एंड हो गया यात्रा का कि भाई कुछ खास है यार। नीचे ज़रूर कुछ महंगाई है, लेकिन अगर ऊपर की बात करें, पहले क्या था 40 रुपीज़ में थी, लेकिन अब हर जगह 50 रुपये मैगी मिलने लगी है, और यहीं पर 50 रुपये का पराठा है। और दोस्तों ये जो सामान पड़ा हुआ ना, ये ब्रिज की जो पड़े हुए हैं बीम्स हैं, प्लेट्स हैं, ये सब वो प्लेट्स हैं जो केदारनाथ आपदा जब आई थी तब टूट के गिर गई, सब तहस नहस हो गया था। ये वाला ब्रिज भी तहस नहस हो गया था यहाँ से, क्योंकि पानी चारों तरफ से आया था। सबसे ज़्यादा नुकसान आगे हुआ था, मैं दिखाता हूँ अभी आपको, कि अगर 2013 में जो आपदा थी उसमें अगर सबसे ज़्यादा तबाही हुई थी ना, तो वो ये प्लेस है। यहाँ नामो निशान ख़त्म हो गया था रामबाड़ा का, ये पूरा का पूरा प्लेस था, इसके दोनों तरफ शॉप थी, घर थे दुकानदारों के, तो ये सारा का सारा यहाँ से ख़त्म हो गया था। तो सबसे ज़्यादा अगर आपदा आई थी केदारनाथ ऊपर के बाद, तो क्योंकि बहाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ था, एकदम खड़ी चढ़ाई थी, तो यहाँ से ये ब्रिज टूट गया था, पूरे ब्रिज का नामो निशान ख़त्म हो गया था। और ये दोनों साइड में इस लाइन में पूरे में मार्केट था, यहाँ पर पूरा मार्केट था दूर तक, वो पूरा ख़त्म हो गया था। तो अगर सबसे ज़्यादा तबाही मची थी तो यहाँ मची थी। आप देख सकते हैं कि जब नॉर्मल वे में इतना वेग है, तो जब ऊपर से आपदा आई थी तो कितना बुरा हाल करा था, ये पूरा एरिया वहाँ से और वहाँ तक पूरा डैमेज हो गया था, पूरा का पूरा जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं ये सारा रास्ता कट गया। हम पहले क्या करते थे, इधर से जैसे आए हम लोग ऊपर से आए हैं, तो हम ऊपर से ही रास्ता जाता था, यहाँ से ये रास्ता सीधा केदारनाथ जाता था। अब ये गवर्नमेंट ने सब्स्टिट्यूट बनाया है कि अब इधर से रास्ता जाता है, ये रास्ता हार्ड है, ये रास्ता ईजी था। तो यहाँ का आप बहाव देख सकते हैं और पानी देख सकते हैं, बिल्कुल नीट एंड क्लीन, बिल्कुल नीला कंचा पानी, देख रहे हैं कितना सुंदर दृश्य है, मन को मोह लेने वाला। बस ये है कि वो बड़े हो गए। तो दोस्तों टफ चढ़ाई शुरू हो गई है, ज़बरदस्त टफ, जिसको बोल रहा था मैं शुरू से कि अभी आप टेलर देख रहे हैं, फिल्म देखना बाकी है, तो यहाँ से फिल्म स्टार्ट हो जाती है, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई एकदम। और अच्छे अच्छों के कसबल निकल जाते हैं यहाँ पर। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं आप केदारनाथ 8.5, बेस कैंप 6.5, बड़ी लिंचौली 300 मीटर से और छोटी लिंचौली 100 मीटर से। तो इस साइन बोर्ड के अकॉर्डिंग 7.5 किलोमीटर से आ चुके हैं, अदरवाइज़ ये पूरा 19 किलोमीटर का ट्रैक है, आपको रिटर्न में मिलेगा 16 किलोमीटर लिखा हुआ। चेहरे पे थकान दिख जरूर रही होगी, ऐसा नहीं है कि चेहरे पे थकान नहीं दिखेगी आपको, चेहरे पे थकान तो जरूर दिखेगी, क्योंकि थकता हर आदमी है, लेकिन हिम्मत ना हारी है ना हारेंगे। जय बाबा केदारनाथ। तो यहाँ देख सकते हैं आप कुछ लोग शॉर्टकट भी ले रहे हैं, और साउंड तेज हो गई है क्योंकि ये जो ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है ये काफ़ी ऊंचाई में जा रहा है। ये देखिए आप, ये देखिए चिक चैक रास्ता देख रहे हैं आप, तो ऐसे ऐसे करके पहुंचा जाता है बाबा के दरबार में। और सही भी है, बाबा आसानी से अगर दर्शन दे दें तो फिर उन्हें बाबा कौन कहेगा। गोरीकुंड 9, जंगल चट्टी 5.5 और भीमबली 3। तो यहाँ देखिए
केदारनाथ 6 बेस कैंप 4.5, हनी कैंप 2 और बड़ी रिंचोली 1। ये देखो सबसे बड़ी बात है कि आसमान कितना साफ है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ हवा एकदम प्योर है, कोई पोल्यूशन नहीं है, तो आसमान आपको बिल्कुल साफ दिखाई देता। हमारे यहाँ तो आसमान ही नहीं दिखता। तो यहाँ भी देख सकते हैं, अब तो बोला भी नहीं जा रहा, सांस इतनी बुरी तरह से चढ़ रही है कि सामान सब उखड़ने लगा है। मेला खत्म और यह एक बात देखिए, मैंने जब भी रिकॉर्डिंग चालू करी है ये जरूर आ गया भाई साहब। सच में कोई बड़ाई की बात नहीं है, अब मैं हिम्मत हार गया हूँ, मैं हिम्मत हार गया हूँ भाई साहब। सच में कोई बड़ाई की बात नहीं है, अब मैं हिम्मत हार गया हूँ, मैं सच में हिम्मत हार गया हूँ। कारण इसका यह है कि नीचे से नॉन स्टॉप चल रहा हूँ, नॉन स्टॉप, कसम केदारनाथ की नॉन स्टॉप चल रहा हूँ। तो कुछ बिस्किट वगैरह थे वो मैंने अपने बैग में थे, मैंने वो खाया, कोई लंच कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो हालत हो गई ख़राब। रिकॉर्ड तोड़ने के चक्कर मैंने अपनी हालत ख़राब कर ली है कि नॉन स्टॉप जाऊँ बिना कुछ खाए पिए, ऊपर ही खाऊँगा। कुछ ही रह गया, करीब 2 किलोमीटर, लेकिन सच में मेरी हालत ख़राब हो गई है, हालत ख़राब हो गई है, बोलना भी हिम्मत मेरा। ये देख सकते हैं तो कहीं दूर है अभी यहाँ से 4 किलोमीटर बाबा, अब तो एक एक पल में मुश्किल लग रहा है। तो दोस्तों ये पॉइंट है जहाँ पर आप अगर नीचे से आते हैं गोरीकुंड से, आपको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया जाता, और यहीं से अगर आपको गोरीकुंड जाना है तो यहीं से आपको घोड़े मिलेंगे। तो ये पॉइंट है रास्ता इधर से आने का, और बाबा आज थक गया। तो दोस्तों मेरे चेहरे पर साफ थकान दिखाई दोगे, आज से पहले आपने मेरा चेहरा ऐसा नहीं देखा होगा, सच में मैं थक गया हूँ। इस तरह से पाल की है, जो खच्चर घोड़े पर नहीं आ सकते उनके लिए पाल की जय बोले की, और ये घोड़े खच्चर का सेल्टर है, अगर आप मौसम ख़राब हो, बारिश हो, तूफान हो, तो उनको यहाँ रोक सकते हैं। सब सामान समेट दिया जा रहा है, अभी 1-2 घंटे में यहाँ कुछ नहीं होगा, सब समेट दिया यहाँ से, सब सामान नीचे समेट दिया। धीरे धीरे मंजिल पास आ रही है, और मैं आपको दिखाता हूँ जो डोरमेट्री होती है उस टाइप से, ये टीन शेड वाली डोरमेट्री है और ग्राउंड फ्लोर वाली डोरमेट्री है। इसमें आपको नीचे लेटरिंग मिलेगा और गद्दे और रजाई मिलेगी, क्योंकि आज की यात्रा है तो इसलिए रेट डबल हो गए हैं पूरे। तो दोस्तों बस कुछ ही पलों की बात है और हम बाबा के दरबार में हो गए, और ये जिसे मैंने आपको अपनी एक अपडेट दी थी, और उस अपडेट को आपने बहुत 3.5 मिलियन तक पहुंचाया था, और एक को 350K तक पहुंचाया था। तो ये है GMVN गढ़वाल मंडल विकास निगम, तो इसकी साइड में जाकर भी आप यहाँ पर टेंट्स बुक कर सकते हैं, डॉर्मेट्री बुक कर सकते हैं, रूम बुक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हैं टेंट और रूम्स भी हैं, और टीन शेड वाले भी हैं, फाइबर वाले भी हैं, यानी सभी तरह के यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगी, और यहीं पर इधर ही आपको फ्रेश होने के लिए टॉयलेट भी मिल जाएगा सामने। मेरी हालत आज पहली बार मैं बोल गया हूँ, आपने देखा नहीं तो कभी बोला नहीं, लेकिन आज मैं भी थक गया हूँ। उसको कहते कोई शर्म नहीं आ रही है कि आज मैं भी थक गया हूँ। आसान नहीं केदार बाबा के दर्शन, आसान नहीं केदार बाबा के दर्शन।
दोस्तों ये है हेलीपैड, अगर आप हेलीपैड हेलीकॉप्टर से आते हैं तो यहाँ आ सकते हैं। और सामने की अगर मैं बात करूँ तो सामने से आ रहा है हेलीकॉप्टर। केदारनाथ की ठंड देखेंगे, ये देखो गजब ठंड हो गई है, हाथ बिल्कुल चिल्ड हो गए हैं कि अब सिस्टम पकड़ना भी भारी हो गया। और रही सही कसर इस हेलीकॉप्टर ने पूरी कर दी है, बस उड़ाना ही छोड़ा कि उड़ के पीछे भेज दें। और दोस्तों जिनके लिए इतनी मेहनत की गई है, जिनके लिए सुबह से लेकर शाम हो गई है, 3:30 बज गए हैं, वैसे तो हमारे यहाँ तो दोपहर है लेकिन ये यहाँ की शाम ही कहो, वो बाबा बैठे हैं सामने, मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए यहाँ बैठे हैं महादेव। तो दोस्तों आज की वीडियो को ये विराम देते हैं, ये था बाबा केदारनाथ के ट्रैक का आपको आंखों देखा हाल, और मैं हूँ आज पूरी रात ही। दोस्तों रात को क्या नजारे होने वाले हैं और क्या क्या समा बदने वाला बाबा केदारनाथ के प्रांगण में, इसकी वीडियो के लिए आपको कल सुबह तक का इंतजार करना पड़ेगा। तो अभी तक आप इस वीडियो को देखिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन बटन को ऑल पर क्लिक कर ले। तो दोस्तों मिलते हैं कल वाली वीडियो पर, धमाल मचने वाला बाबा के प्रांगण में रात भर धमाल मचा है।